हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क से पार्ट टू है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जो है जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और वगैरह वगैरह और भी जो सब्जेक्ट आपके आते हैं, पॉलिटिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो ये इन सभी के क्वेश्चन आपको जो है MTSP क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इससे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले पार्ट में क्या बताया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाना जो है जरूरी होता है रिविजन के तौर पर। देखिए, पहले पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि M1 लो किसी काम को D1 दिनों में, W को M1 लो के W1 काम को D1 दिनों में करते हैं, उसी तरीके से M2 लो W2 काम को D2 दिनों में करते हैं, तो उनके बीच में रिलेशन क्या था, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। ठीक, इसी तरीके से हमने बताया था कि M1 लो W1 काम को D1 दिनों में करते हैं और T1 टाइम लेते हैं, यानी कि T1 वर्किंग T1 ईच डे, यानी कि वो T1 टाइम प्रत्येक दिन लेते हैं। प्रत्येक दिन जैसे कि 4 घंटे काम लेते हैं, 4 घंटे वो रोज रोज करते हैं, फिर 8 घंटे रोज ड्यूटी करते हैं ना, उसी तरीके से आपका M2 लोग हैं W2 काम को D2 दिनों में करते हैं, वर्किंग टाइम T2 ईच डे, यानी कि हर एक दिन जो है वो T2 टाइम करते हैं, हर एक दिन जो है वो T2 टाइम करते हैं, है कि हर दिन वो जो है 8 घंटे 10 घंटे काम ही करते हैं। तो उसके बीच में रिलेशन हमने देखा था M1 D1 T1 अपॉन K अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन में आ जाता है आपका W2, ठीक है। इतनी बात समझे। अच्छा, अब उसके बाद ये है पार्ट 2, ठीक है। और हाँ, इतना ही बताया था मैंने उसमें, ठीक है। तो आप देखिए इसमें पार्ट 2 में क्या है। तो ये है पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये था, हाँ, वहां पर भी मैंने ये बताया था। हाँ, उसके बाद मैंने जो है वो जो दूसरा रूल बताया था, दूसरा रूल ये था कि दूसरा रूल हमारे पास ये था कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, यानी कि ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है और बी उसी काम को, सेम जो पीस ऑफ वर्क है उसी काम को जो है वो वाई दिनों में कंप्लीट करता है। तो ए के एक दिन का काम कितना आएगा, 1/x कर दो, और बी के एक दिन का काम कितना आएगा, 1/y कर दो। अब ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/x प्लस 1/y, यानी कि एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा आपका। अब ध्यान से देखना, उसी तरीके से अगर तो क्या है कि उनका जो टोटल जो पीस, जो सेम पीस ऑफ वर्क है, जो ए बी एक ही काम को एक्स वाई 2 दिनों में करे, तो कहने का मतलब क्या है, सेम पीस ऑफ वर्क हमने क्या मान लिया, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या हो गया, एक्स वाई आपका टोटल वर्क है और दोनों दोनों की एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम कितना गया, एक्स प्लस वाई है ना। तो आप किस तरीके से निकालेंगे कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अगर आप कर देते हैं, तो आपका जो है कि एक्स वाई वर्क को एक्स प्लस वाई के एक दिन का काम है, ए बी के एक दिन का काम कितना है, एक्स प्लस वाई है, तो उसको जो है कितने दिनों में कर लेंगे, है ना, उसको जो है कितने दिनों में कर लेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन में आ जाएगा उनके एक दिन का काम, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, देखिए रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर 3 आपको आदमी दे दिए गए हैं, ए बी और सी। ए किसी काम को जो है एक्स दिनों में करता है, बी सेम काम को वाई दिनों में करता है, और सी उसी काम को जो ए बी ने किया है उसी काम को जेड दिनों में करता है। तो इनके एक दिन का काम निकाल लिया हमने, एक दिन का काम इतना आ जाएगा 1/x, ए और ये बी के एक दिन का काम हो गया 1/y, सी के एक दिन का काम हो गया 1/z, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनका वन डे वर्क निकालेंगे सी का, तो ये वन डे वर्क है, तीनों को जोड़ दो, बस आपका आंसर निकल जाएगा। इनके एक दिन का काम कितना है, xy प्लस yz प्लस zx अपॉन xyz, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि टोटल टाइम टेकन बाय ए बी सी टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि टोटल टोटल टाइम उन्होंने कितना लिया, या फिर टोटल टाइम कितना लिया, या फिर टोटल डेज उन्होंने कितने लिए उस सेम वर्क को खत्म होने में, सेम वर्क क्या काम कितना, ये तो हमें पता नहीं था, हम क्या करेंगे, एलसीएम मान लेंगे, कितना एक्स वाई जेड का एलसीएम, एक्स वाई जेड का जो एलसीएम होगा वो आपका टोटल टाइम काम होगा। तो हमने क्या करा, एक्स वाई जेड का एलसीएम मान लिया, ठीक है। और जो है तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि टोटल आपको वर्क निकालना है 1/ में इनके एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, तीनों के हमने क्या मान लिया, माने कि टोटल वर्क आपका 1 है, हमने मान लिया कि देखो देखो 1/x है ना, तो इनके एक दिन का काम हमने मान लिया 1, ठीक है, मतलब टोटल वर्क है 1 और इनके एक दिन का काम कितना, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दिनों में वो उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं ना, क्योंकि x डेज ही तो है ना, और काम हो गया 1, हमने काम को 1 मान रखा है। तो देखो काम को कितना भी मानोगे, हमने 1 मान रखा है, तो आप जो मानोगे उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 1 माना, तो मैं उसी हिसाब से सॉल्व करूंगी, टोटल वर्क मेरे पास
जो है एक, और उसी जो एक ही काम है उसको जो ए है वो एक्स दिनों में करता है, इसलिए वन अपॉन एक्स उसके एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम वन अपॉन वाई और सी के एक दिन का काम वन अपॉन जेड। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तब भी आप इसी में इसका आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो या फिर आप क्या करो कि इनके एक दिन का काम आ गया आपका, उसको उल्टा कर लो, एक दिन का काम आया इसको उल्टा किया तो ये आ गया आपका, तो उसके टोटल टाइम, तो उसको जब उल्टा करेंगे तो आपको टोटल डेज निकल जाएंगे कि कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट किया जाएगा। ये इनके एक दिन का काम है और टोटल वर्क इतना उल्टा कर देंगे तो एक दिन के काम से डिवाइड हो जाएगा टोटल वर्क, तो आपका जो है ये आ जाएगा कि जो वो टोटल वर्क है उसको करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इतनी बार समझ आएगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में इतना ही था, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए देखिए नेक्स्ट ये ना, नेक्स्ट उससे क्या आगे क्या है। अभी तक तो आपने कितना पढ़ा कि अगर तीन व्यक्ति दिए हो, अगर ए बी और सी किसी सेम वर्क को अलग अलग दिनों में कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने निकाल लिया किस तरीके से आपको उन तीनों का एक साथ का काम निकालेंगे, फिर वो तीनों मिलकर किसी पर्टिकुलर काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ये अगर तीन से ज्यादा रहता है तब आप क्या करेंगे, देखिए क्या करना है आपको। इफ वर्कर्स आर मोर देन थ्री देन टोटल टाइम टेकन बाय ए बी सी और सी डी ई एफ जी जितने भी लोग आएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। यानी कि यदि तीन से ज्यादा लोग हैं तो उन सभी को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो उनके जो है वो जो है किसी काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, है ना। तो ये टोटल कंप्लीट द वर्क टुगेदर, यानी ये सारे जितने भी लोग हैं सारे मिलकर किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। या तो एक तरीका है कि सब दिन के एक सबके एक एक दिन का काम निकालो, एक दिन का टोटल काम निकालो और तीनों का एलसीएम लो, तीनों का एलसीएम हो गया अपॉन में जो उनके एक दिन का काम आया उसे आप डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर निकल जाएगा कि कितने दिनों में वो कर लेंगे उस टोटल काम को। या फिर क्या करना है आपको, वन अपॉन यहाँ पे मान लिया कि आपने कि उनके हमने मान लिया कि टोटल जो वर्क है वो एक दिन का है और ये सबके एक एक दिन का एक्स वाई जो ए बी सी डी सी डी ई एफ जी एच है उनके उनके एक एक दिन का, हमने क्या माना कि उनका टोटल वर्क जो है वो वन है ना। हमने माना कि टोटल वर्क वन है और उनके एक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच जो जितने भी है उन सभी के एक एक दिन का काम निकाला और उससे हमने टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगी कि जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मिलकर किसी पर्टिकुलर काम को इतने दिनों में खत्म कर लेंगे, ठीक है। इतनी बार समझ आई। अब आइए रोल जो है फोर पर, देखिए रोल नंबर फोर क्या कहता है। इफ ए अलोन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन एक्स डेज, अगर ए अकेला इफ ए अलोन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन एक्स डेज एंड एंड ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन वाई डे वाई डेज, तो बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डेज। तो कहने का मतलब क्या है कि ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, अभी तक तो आप क्या पढ़ रहे थे कि ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, बी किसी काम को वाई दिनों में करता है, दोनों के एक एक दिन का काम निकाला और फिर दोनों का जो टोटल वर्क है उनका, यानी कि उनका जो एक्स दिनों में करते हैं उनका एलसीएम निकाला आपने और उनके उनके जो ए और बी के एक दिन से आप जो है भाग कर देते थे, तो आपको क्या निकल आता था कि कितने दिन में वो दोनों मिलकर कर लेंगे। अब यहाँ पर उल्टा हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर कि आपको ए के एक दिन का काम दे दिया एक्स डेज, अब ए और बी दोनों के जो है एक दिन का काम दे दिया, मतलब कि ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को जो है वाई दिनों में करते हैं, तो बताइए बी कितने दिनों में कर लेगा, है ना। तो बी अराउंड कैन डू द सेम वर्क इन एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डेज, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको पता है ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा एक्स, ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, है ना। तो बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, है ना। तो यहाँ से भी आप जो है इसको यहाँ से भी सॉल्व करके आप जो आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व करके जो आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट लेकिन ये देखो ये वाला जो तरीका है ना, ये वाला तरीका ना शॉर्टकट तरीका है, तो इसको मैं जो है जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डिस्कस करूंगा। मैं अभी जो है दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहता हूँ, अभी सिर्फ नॉर्मल तरीका अपना ये कि एक्स अपन एक्स माइनस वाई है, ठीक है। ये वाला तरीका मैं पैटर्न में ही बताऊंगा आपको जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इतने समझे, बहुत अच्छे तरीके से समझना आपको, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस वाले कॉन्सेप्ट में जो है मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट रहेगा, अगला जो पांच छह या फिर सात आठ जो भी आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे वो अगले वीडियोस में हम जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जितना मैंने ये अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, जो ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है आप सभी तक, अच्छे तरीके से मैसेज पहुंचा होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने समझाया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।